जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। मेंसुरेशन पार्ट 21, ठीक है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नया टॉपिक, क्यूबॉइड। क्या पढ़ना है? क्यूबॉइड माने घनाभ। घन माने क्यूब, घनाभ माने क्या? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के आकार का सबसे सिंपल चीज आपका बुक है, नहीं है? बुक मेरा क्यूबॉइड के शेप का है। मैच बॉक्स, वो भी क्यूबॉइड का शेप का है, नहीं? बॉक्स सब क्या है? क्यूबॉइड के शेप का। तो मेंसुरेशन में है तो हमको क्या निकालना होगा? या तो एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, फेस का एरिया, यही सब ना निकालना होगा। तो क्यूबॉइड कहते किसको है? ये तो डिफिनेशन हम ज्योमेट्री में बता चुके हैं। पहले क्यूबॉइड के बारे में जान लीजिए, क्या सबसे अच्छा? जैसे ये जो है आपका, ये एक क्यूबॉइड शेप का है, ये आपका क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है? चलिए, ये जब क्यूबॉइड के शेप का है, कौन चीज क्या क्या पहले उसको देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, चाहे ऐसे कीजिए, दो, ठीक, और दो नीचे, कितना हो गया? चार, दो ई, कितना हो गया? छः, दो ई, कितना हो गया? आठ, दो ई, कितना हो गया? 10, नहीं, और दो ई, 12। इसको क्या बोले? इसका यह क्या है? किनारा, एज। क्या बोलेंगे इसको? एज। और ई जो हुआ, और ई जो हुआ, और ई सब हुआ, इसको क्या बोलेंगे? फेस। ये क्या हो गया? एक फेस, नहीं, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेस, नहीं हो गया? तो कितना फेस है? सोचो, पहले फेस कितना है, एज कितना है, और वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स कौन हुआ? ई। जैसे ई वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स ई, तीसरा वर्टेक्स ई, चौथा वर्टेक्स ई, पांचवा वर्टेक्स ई, छठा वर्टेक्स ई, सातवां वर्टेक्स ई, और आठवां वर्टेक्स ई, ठीक। अब शुरू करो, कहां से? वर्टेक्स से ही ले लो। इस क्यूबाइड, यह क्यूबाइड का शेप है, इसमें इसको आप क्या कहें? लेंथ, नहीं, ये क्या हो गया आपका? लेंथ। ये क्या हुआ? ब्रेथ। ये क्या हुआ? हाइट कहिए, चाहे डेप्थ कहिए, दोनों चीज कह सकते हैं ना, हाइट भी कह सकते हैं या डेप्थ भी कह सकते हैं, ठीक। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये सब क्या हुआ इसका? फेस। तो जहां दो फेस मिलेगा, एक फेस ई और एक फेस ई, जहां दो फेस मिलता है वो क्या कहलाता है? एज कहलाता है। क्या कहलाता है? एज। तो इस क्यूबाइड में टोटल कितना एज हुआ, कितना किनारा हुआ? जैसे यहां से चलते चलते किनारा पर चले आते हैं हम लोग, तो कितना किनारा हुआ यहीं पर देख लीजिए, एक, दो, तीन, चार, चार इधर, चलिए उसी प्रकार से चार इधर, कितना हो गया? एट। अच्छा, अब कौन बचा? खाली हाइटे वाला ना बचा, चार, 12। तो टोटल कितना एज? 12 एज, ठीक है। कॉर्नर कितना? कॉर्नर कितना? चार, नहीं, और इधर से चार, तो एट कॉर्नर, 12 क्या हुआ? 12, क्या बोलिए इसको? एज। एट क्या? कॉर्नर। और फेस कितना? सिक्स। जैसे एक, इसका नीचे वाला, दो, ई, इसका इधर वाला, चार, ई, और इसका इधर वाला, कितना? सिक्स फेस। इस चीज को पहले क्लियर कीजिए, क्या इस चीज को पहले क्लियर रखना है कि एज कितना? एज कितना? एक, दो, तीन, चार, चार आठ,
चार बारह, 12 एज, 12 एज, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर और 2 4 6, 6 फेस, क्लियर। किसी क्यूबाइड में, और क्यूबाइड का यहां शेप भी बना देते हैं, ये 3D फिगर है इसीलिए इस पर क्लियर उतना नहीं आएगा, इसलिए आपको अलग बक्सा लेके हम दिखा दिए। ये आपका क्यूबॉइड है, कितना फेस क्यूबॉइड में, 6 फेसेस, ठीक है, 6 फेसेस, फेस कितना था आपका, 1, बार बार करते हैं, 2, 2 4, 2 6, कॉर्नर कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉर्नर, 6 फेस, 8 कॉर्नर्स, 12 एज, किनारा 12 एज, यस, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 4 4 8, 10 2 12, किसी क्यूबाइड में 6 फेस होगा, 8 कॉर्नर होगा और 12 एज होगा। अब आइए, इसका जो फेस है, ये जो फेस है यह किस शेप का है, रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर है, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर है ना, यानी ये जो आपका 6 फेस है यह किस शेप का है, रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसी में इसी फिगर को ले लेते हैं हम लोग, ये यहां से यहां ये आपका है लेंथ, दिखाई दे रहा है लेंथ, ठीक, चलिए ये हो गया आपका लेंथ, ये क्या है आपका हाइट, ये हो गया आपका हाइट, और ये जो है आपका किधर लिखा जाए, इधर ही लिखो, ये आपका है ब्रेथ, ई हाइट तो ई हाइट हुआ, अच्छा ई एल है, तो इस फेस का एरिया, रेक्टेंगल का फॉर्म है, तो इस फेस का क्या एरिया होगा, इस फेस का क्या एरिया होगा, एल इंटू एच नहीं होगा, और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा, नहीं, तो एरिया ऑफ वन फेस कितना हो गया, एल एच इंटू कितना, 2, क्योंकि एल एच ई इसका डबल, अब इसका ले लीजिए बी इंटू एच, ये है आपका बेस, ये आपका क्या हाइट, तो इस प्रकार का कितना, 2, एक ई और एक ई, तो 2 बी एच, 2 एल एच, 2 बी एच, और ई जो है आपका ये हो गया लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, यानी एल बी, यानी 2 एल बी, ये क्या काम है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, नहीं, 6 फेस का एरिया यदि हम जोड़ देते हैं तो वही ना इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक। अब इसमें एक चीज आई है लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या है, जैसे ये आपका क्यूबॉइड का फॉर्म है, ठीक है, क्यूबॉइड का फॉर्म है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, पूरा खोखला, ठीक, वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अब एक चीज देखो, इसको हम हटा दिए, ये क्या है बी एच, दूठो बी एच हट गया, नहीं भैया, दूठो बी एच मेरा हट गया, ठीक, इसमें से दूठो बी एच यदि हम हटा दें, क्या लिख दिया, एल बी बी एच, एल एच ना होगा, एल एच, क्या हटाना आपको, बी एच, 2 बी एच को हटा दिए, तब क्या बच गया,
2lb प्लस 2lh, यानी 2 कॉमन ले लिए, lb प्लस lh, यानी lb कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया b प्लस h? नहीं, हम लोग दूसरा चीज ले लिए, 2l लिखते हैं, कुछ लिखा जाता है 2lb प्लस lh ना, 2lb प्लस 2lh, ठीक है, 2lb प्लस 2, lb है, bh है, lh है, कोई एक हटा दिया, ठीक है, यहां पर ले लेंगे हम लोग, यहां इस सरफेस के हिसाब से लिए हैं, ठीक है, lb है वाला, मान लीजिए इसी को हटा देते हैं, चलो इसी को हटा दिए, तो क्या बचता है, 2hb प्लस lh, 2bh प्लस कितना, lh, 2h कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, l प्लस b, जैसे एरिया ऑफ फोर वॉल नहीं हो गया था, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक, एरिया ऑफ फोर वॉल यदि हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे वाला हट गया, नहीं इसका दीवार यही हुआ, ऊपर नीचे वाला हट गया, नहीं गया, एल बी हट गया, दूठो एल बी हट गया, ये हो गया मेरा लेटरल सरफेस एरिया, हो गया, अब आ गया, अब है इसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या, यह किस शेप का है, पहले फेस का निकाल लो, इच फेस का एरिया, जैसे इस फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, हो गया लेंथ ही, जैसे इसी का ले लो, ये मेरा लेंथ था और ये मेरा क्या था, ब्रेथ, तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये ना, यानी क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनस है, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डायगोनल ऑफ फेस, अब यहां एक चीज देखो, इसमें आप इसको एल माने, इसको बी माने, तो इस फेस का डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए अब आ जाइए आप इस फेस में, ये आपका क्या है, लिखे होंगे कहीं पर, हाँ ये आपका क्या है एल, और ये आपका क्या है एच, तो इसका डायगोनल क्या, फिर आप इसको मिलाइएगा, राइट ट्रायंगल, यानी इसका डायगोनल क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं हो गया, अब आ जाइए इसका डायगोनल क्या, इस फेस का डायगोनल क्या, फिर हो गया बी और एच, यानी इसका डायगोनल हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब एक चीज देखो, इसका डायगोनल, यानी किसी फेस का डायगोनल आप निकाल सकते हैं, इसमें तो सब अलग अलग फेस है, इसलिए अलग अलग डायगोनल हो गया, अब हम कह रहे हैं फेस का डायगोनल नहीं, इस क्यूबाइड का डायगोनल, इस क्यूबाइड का डायगोनल कितना होगा, तो क्यूबाइड का डायगोनल क्या हुआ, यानी इस कोना से कोई चीज जाएगा और कहां निकलेगा, इस कोना, माने इस कोना से जाएगा और उसका, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी, तीनों का काम पड़ रहा है, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, यानी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ठीक, यानी क्या क्या आप आए, सबसे पहले आप कितना फेस है, कितना कॉर्नर्स है, कितना एज है, इसको समझ गया, उसके बाद बारी बारी से आप इच फेस का एरिया निकाले, नहीं सबको जोड़ दिए, तो क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, उसके बाद एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी ऊपर वाला इसको और इसको हटा दिए, नहीं पेंदी और ढक्कन को हटा दिए, तो क्या हो एरिया ऑफ फोर वॉल 2h इंटू एल प्लस बी, उसका काम हो गया, अच्छा उसके बाद इच फेस का डायगोनल आप निकालिए, उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालिए, इतना सारा काम हो गया आपका, चलिए अब आ जाइए अगला पॉइंट आपका है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब किससे, कितना स्पेस छेका, जैसे हम यहां खड़ा है तो हम कितना स्पेस लिए हुए, वही ना मेरा वॉल्यूम हुआ, नहीं यानी जितना जगह पर हम खड़ा है जमीन पर उसका एरिया प्लस मेरा हाइट, यानी एरिया ऑफ फर्श का जो एरिया है सो इनटू मेरा क्या हाइट,
यही मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम, यानी इतना जगह हम छेके हुए, ठीक। इसी का ले लो, ठीक, मान लिया इसे रखे, ठीक है। ये कितना सटा हुआ मेरे हाथ में, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, अब प्लस क्या हाइट इनटू क्या हाइट। इसको और अच्छा से कैसे समझेगा जानता है, इसको और अच्छा से समझने के लिए एक चीज देखो, जैसे ये मेरा बुक है, ठीक है, फाड़ेंगे तो नहीं इसको हम, लेकिन एक दिमाग लगाओ कि इसका एक पेज हम ले लिया, ठीक है, इसका एक पेज ले लिया, ये एक पेज ले लिए, इसका ये लेंथ हो गया और ये क्या हुआ ब्रेथ हुआ, एरिया निकल गया। इस